हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक दिल से विद रोमा। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल, बेसिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एक रेसिपी, आलू दम। जी बिल्कुल, आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि आलू दम में ऐसा स्पेशल क्या हो सकता है, पर ये वाली आलू दम वाकई में बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही टेस्टी है। इस नवरात्रि के टाइम में अगर आप फास्टिंग भी करते हैं, अगर आपको फास्टिंग के दौरान खाना भी बनाना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए, तो ये मज़ेदार सी आलू दम की रेसिपी आप प्लीज़ एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है, ये आलू दम की रेसिपी जो है मैं बिना प्याज लहसुन से बनाऊंगी, पर मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि बिना प्याज लहसुन से भी आलू दम की रेसिपी इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बन सकती है। तो इस नवरात्रि के दौरान अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, भेज खाते हैं, इन केस आपके घर में अगर सब्जी भी ख़त्म हो गया होगा, सिर्फ आलू भी होगा, तभी आप इस प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार एंड तक देखिएगा और ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आलू दम की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मेरी आज की रेसिपी, स्पेशल वाली आलू दम। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पोस्तो ले लिया है, 2 चम्मच जीरा ले लिया है, कुछ लौंग लिया है, कुछ हरी वाली इलायची हो गया, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे खड़े धनिया लिया है और कुछ सूखी मिर्ची लिया है। अब हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, लो फ्लेम में एक पैन में डाल के 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि इसमें हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए इस आलू दम को हम थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए ये वाला मसाला को आप प्लीज़ ज़रूर से बनाइएगा। देखिए, सारी चीज़ों को हम अच्छे से डाल के यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए बस हमको इसको थोड़ा सा भूनना है। जब तक देखिए इसमें अच्छा खासा एक धुआं आ जाएगा, तब आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इसको 3-4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। और वाकई में ये आलू दम में इस मसाला का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप ये मसाला ज़रूर से बना के रखिएगा। इनके अगर ये मसाला आपका बच भी जाता है ना, तो आप इसको बहुत सारे बिना प्याज लहसुन की रेसिपी में आप इसको डाल सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि आपका जो रेसिपी है, जो भी डिश है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा इस मसाले को ऐड करने से। यहाँ पे देखिए हमारा स्पेशल आलू दम मसाला जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आलू दम के लिए जो ग्रेवी है उसके लिए एक पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए 4 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिससे क्या होगा ना, आलू दम में बहुत अच्छा एक कलर भी आएगा। तो आप अपने आलू की क्वांटिटी के हिसाब से टमाटर को कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्ची लिया है और 1 इंच मैंने यहाँ पे अदरक को कट कर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को ना एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आलू दम की ग्रेवी एक अच्छा सा थिकनेस आएगा और ग्रेवी साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। देखिए इस तरह से ब्लेंडिंग जार में सारी चीज़ों को हम डाल देंगे। अब मिर्ची को भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो 1-2 कम करके भी आप डाल सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें 4 मगज मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऐड कर दिया है, यानी वाटरमेलन सीड्स, और साथ ही साथ कुछ काजू भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप चाहे तो सिर्फ एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप 4 मगज का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, अगर काजू इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी उसको थोड़ा आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब देखिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से हल्के पानी के साथ ब्लेंड करके एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेंगे, जो कि हमारे आलू दम के ग्रेवी में ऐड होगा और इससे फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा दुगना हो जाएगा। और यकीन मानिए, ये आलू दम की रेसिपी दिखने में जितनी सिंपल है ना, खाने में वो उतना ही टेस्टी है। आपको लग रहा हो कि आलू दम में ऐसा स्पेशल क्या है, पर जब तक आप इस रेसिपी को नहीं बनाएंगे, आप नहीं समझ सकते कि सच में वाकई में आलू दम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो भी सकता है। और यहाँ पे मैंने आलू दम बनाने के लिए 5 मीडियम साइज का आलू का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने अच्छे से धो के ऐसे बड़े चंक में इसको मैंने कट कर लिया। आप चाहे तो छोटा भी आलू को कर सकते हैं, पर नॉर्मली आलू दम में ना आलू का साइज जो होता है तो थोड़ा बड़ा साइज में रहता है, जिससे क्या होता है ना, टेस्ट और खाने दोनों में भी अच्छा लगता है। तो आप कोशिश कीजिएगा ऐसे आलू को थोड़ा बड़े चंक साइज में कट करके डालने के लिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आलू में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है,
जिससे आलू में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इन आलूओं को अच्छे से थोड़ा शैलो फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। आप इसको डेफिनेटली रिफाइंड ऑयल और घी से भी बना सकते हैं। अगर आप किसी पूजा फेस्टिवल के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली रिफाइंड ऑयल या फिर घी से भी आराम से बना सकते हैं। और देखिए, इस तेल जब अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, सारे आलू को हम यहाँ पे डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए दोनों साइड हम अच्छे से इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से थोड़ा इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये आलू दम की जो रेसिपी होता है ना, जो जिस दिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं होता है, उस दिन ये आलू दम ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो नॉर्मली इस तरह से मान लीजिए कि किस दिन घर में वेजिटेबल्स भी नहीं होता है तो समझ भी नहीं आता है कि आज क्या कुकिंग करना है। तो उस दिन में भी ना ये आलू दम की रेसिपी जब भी आप मतलब बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। कुछ भी नहीं होगा तो इसको आप राइस के साथ, रोटी पराठा किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय करके खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब उस सेम कढ़ाई में ही जो भी तेल बचा है उसी में ही मैं एक तेजपत्ता को डाल दूंगी, साथ ही साथ थोड़ा हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे क्या होगा आलू दम में कलर, ग्रेवी में कलर बहुत अच्छा ऐड होता है। दोनों चीज़ों को अच्छे से डाल के मिक्स करने के बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, 4 मगज और काजू को, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इससे क्या होगा ना, ग्रेवी में बहुत अच्छा एक थिकनेस भी आएगा और बहुत टेस्टी भी बनता है ये ग्रेवी। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़े से हींग मैंने यहाँ पे डाल दिया है और साथ ही साथ कसूरी मेथी डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मसालों को अच्छे से हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको भून लेंगे। इससे क्या होगा, मसालों में अपना एक फ्लेवर आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आलू में बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि नॉर्मली जब हम आलू में नमक ऐड करते हैं, उसको फ्राई करते हैं ना, उस दौरान क्या होता है, आलू का जो साइज है ना वो छोटा हो जाता है। इसलिए आलू दम में थोड़ा आलू का, जैसे कि मैंने कहा, आलू का साइज जितना बड़ा रहेगा ना, आलू दम उतना ही टेस्टी होता है। इसलिए मैंने वहाँ पे बिल्कुल भी नमक का इस्तेमाल नहीं किया था। और यहाँ पे देखिए ग्रेवी में हमने जो पेस्ट अलग मसाला हमने बना के रखा था, उसमें से मैंने यहाँ से 2 चम्मच ऐड कर दिया है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार प्लीज़ ज़रूर से इस आलू दम की रेसिपी को इस नवरात्रि के दौरान, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो एक बार प्लीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप सभी को ये आलू दम की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। ऐसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको ढक लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। मसालों को हम भून लेंगे 5-7 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पे हमारा मसाला जो है अच्छे से यहाँ पे भून चुका है। और अभी तक मैंने ग्रेवी में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, बाद में जाके हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे कुछ कोकोनट पाउडर था, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट होगा तो आप इसको डाल सकते हैं, अगर नहीं भी होगा तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो फ्राई किया हुआ आलू है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के अंदर तक, आलू के ऊपर में अच्छा सा मसाला का कोटिंग भी आ जाएगा और सारा मसाला का जो फ्लेवर है वो आलू के अंदर आ जाएगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 चम्मच फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। दही आप प्लीज़ ज़रूर से डालिएगा, जिससे क्या होगा ना, टमाटर और दही दोनों चीज़ों का एक बैलेंस होगा ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच शक्कर का इस्तेमाल किया है, यानी शुगर का। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है, जिससे क्या होगा ना, हमारे आलू को कुक होने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमने ग्रेवी में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम ऐसे ढक के इसको 12 से 15 मिनट के लिए आलू को अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में थोड़ा चेक करते रहिएगा, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ड्राई लगेगी
तो आप इसमें डेफिनेटली और हाफ कप पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा आलू जो है हाफ कुक हुआ है, और 10 मिनट के बाद देखिएगा हमारा आलू ग्रेवी अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाएगा। इसको हम 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक के छोड़ देंगे, क्योंकि इसको मैं पराठे के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं यहाँ पे पराठे बनाऊँगी। आप चाहे तो इसको पूरी के साथ भी खा सकते हैं, पर अगर आपने कभी आलू दम और पराठा का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर से आप एक बार इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इवन आप इसको हमारा भेज पुलाव हो गया, या फिर प्लेन सिंपल राइस के साथ भी आप इसको, जीरा राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। और वैसे भी ये आलू दम की जो सब्जी होती है ना, ये थोड़ी ड्राई होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहता है, जिससे क्या होता है ना, आप इसको पराठा पूरी किसी के साथ भी खाने से ना बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बूंदी का रायता बना रही हूँ, जिससे भी ना खाने में बहुत अच्छा एक बैलेंस आता है। एक तो पराठा हो गया, एक सूखी सी सब्जी, उसके साथ थोड़ी ग्रेवी वाली रायता होता है ना, तो खाने में एकदम बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है इसमें। तो आप चाहे तो बूंदी का रायता भी बना सकते हैं, या फिर कुकुम्बर रायता भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा कंबाइन करके, ऐसे जैसे भेज डे में हम लोग नॉर्मल खाते हैं ना, ऐसे खाने में थोड़ा अच्छा भी लगता है कोई भी चीज़। और जब तक मेरा आलू अच्छे से वहाँ पे कुक हो रहा है, मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा बना लूँगी। वैसे तो बहुत सारे लोग आलू दम को पूरी के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मुझे पर्सनली ऐसे ट्रायंगल पराठे के साथ ये जो आलू, ये स्पेशल जो आलू दम की रेसिपी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा इसको ऐसे ट्रायंगल पराठा के साथ ही खाना पसंद करती हूँ, और मेरे घर में भी सभी इस तरह से इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको, जैसे कि मैंने कहा, राइस, पूरी या फिर रोटी, किसी के साथ भी आप इस पर खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठा बना रही हूँ। और इस नवरात्रि के दौरान मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो आप अगर फास्टिंग रखते, एक दिन किसी दिन आपको खाना पड़ेगा दिन में एक बार, तो आप डेफिनेटली ये वाला कॉम्बिनेशन ना एक बार प्लीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली आप उस टाइम में इसको घी में, घी या फिर रिफाइंड ऑयल में आप इसको बना के खा सकते हैं। और आप अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी इस तरह से आप इनको पैक करके दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा गर्मा गर्म पराठा जो है वो हो चुका है। अब हम चलते देख लेते हैं हमारी आलू दम को, जो कि बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। ग्रेवी मसाला जो है वो सब कुछ अच्छे से यहाँ पे अलग हो चुका है, तेल अलग हो चुका है, मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, आलू भी हमारा अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हाफ चम्मच देसी घी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। और फाइनली भर भर के मैं यहाँ पे धनिया पत्ते डाल रही हूँ, और यहाँ पे मेरा आलू दम जो है रेडी हो चुका है। इस तरह से देखिए गर्मा गर्म आलू दम के साथ पराठा, पूरी, राइस, कुछ भी बनाइए, पर डेफिनेटली ये वाली आलू दम की रेसिपी आप प्लीज़ एक बार ज़रूर से बनाइएगा। बिना प्याज रसुन से होगा तो आपके फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो लोग नहीं भी खाते होंगे ना बिना प्याज रसुन में, उस दिन आप बनाइएगा तो सबके साथ मिलके ऐसे खाइएगा। सभी को ये आलू दम की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, बच्चों को तो स्पेशली बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये अच्छी सी प्यारी सी आलू दम की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की, नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी, एक नई वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।